हेलो बिजनेस ओनर्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि जस्ट डायल वर्सेस इंडिया मार्ट कि कौन सा जो है इनमें से बेटर है और पर्टिकुलरली आपके बिजनेस के लिए कौन सा बेटर है वो मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। मैं पिछले 2 साल से ही दोनों को यूज़ कर रहा हूँ। मैंने वीडियो बनाने से पहले जो है दोनों की सेल टीम से भी बात करी है और दोनों के मैंने एक्सपीरियंसेस प्लान्स सारी चीज़ें जो है वो मैंने यहाँ पर बात करी है इनके एग्जीक्यूटिव से। और मैंने यहाँ पर मेनली 5 चीज़ों पर बात करी है, जो कि 5 चीज़ों पर मैं यहाँ पर कंपेयर और दोनों चीज़ों को जो है वो एक दूसरे से कंपेयर करने वाला हूँ। देन आप जो है वो डिसाइड कर सकते हैं। अगर आपने कोई भी प्लान नहीं खरीदा है तो पहले आप इस वीडियो को देखें, उसके बाद डिसाइड करें कि आपके लिए कौन सा बेटर है। अगर आप जो है प्रोफेशनली डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज या फिर वेबसाइट डेवलपमेंट कराना चाहते हैं तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला यहां पर आता है प्लान एंड प्राइस। अब बात करते हैं हम लोग जस्ट डायल की। तो जस्ट डायल में जो इसके प्लान्स हैं वो 4 प्लान यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहला प्लान यहाँ पर है 15,000 प्लस GST का, जिसमें यह है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करता है। जैसे कि मान के चलिए आपके डिस्ट्रिक्ट में जितने भी पिन कोड हैं उन पिन कोड पर आपको जो है आपकी विजिबिलिटी, जो भी कीवर्ड्स आप डिसाइड करते हैं, सपोज दैट आप फोटोग्राफर हैं, जैसे कि कोई फोटोग्राफर सर्च करता है, डेस्टिनेशन वेडिंग फोटोग्राफर सर्च करता है, तो वहाँ पर आपकी विजिबिलिटी होगी और आपको जो है क्वेरीज मिलेंगी और लीड्स मिलेंगी। इस तरह से पूरे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आपकी विजिबिलिटी होगी। इसके बाद आता है इनका दूसरा प्लान। दूसरा प्लान है इनका पोजिशन प्लान, जो कि है 18,700 रुपीज़ का। इसमें आपको प्लस GST भी देना होगा। साथ में पहले प्लान पर जो है 20% तक डिस्काउंट देते हैं। दूसरे प्लान पर आपको ये जो पोजीशन प्लान है इसमें 10% तक का डिस्काउंट आपको मिल जाता है। इसके बाद जो पोजीशन प्लान होता है, पोजीशन प्लान में ये होता है कि आपकी पोजीशन यहाँ पर डिसाइडेड होती है कि मान के चलिए अगर आपको फर्स्ट पोजीशन मिली है किसी कीवर्ड पे तो आप जो है वो फर्स्ट ही दिखोगे। अगर आपको सेकंड पोजीशन मिली है तो सेकंड मिलेगी। आपको थर्ड अगर पोजीशन मिली है तो आप थर्ड पे ही दिखोगे। 3 पोजीशन से ज़्यादा ये प्लान यहाँ पर नहीं सेल करते हैं, तो आपको यहाँ पर कीवर्ड वाइज जो है वो पोजीशन मिल जाती है। दैट्स वाई ये प्लान जो है पोजीशन प्लान कहलाता है। इसके बाद इनका प्लान आता है स्टेट प्लान, जो कि है 24,000 प्लस GST का, और इसमें भी आपको जो है 10% तक का डिस्काउंट मिल जाता है। ये आपका जो स्टेट प्लान है इसमें जो विजिबिलिटी होती है वो स्टेट लेवल पर होती है। देन इसके बाद जो इनका प्लान आता है वो आता है पैन इंडिया प्लान, जो कि 36,000 प्लस GST का है। आपको यहाँ पर भी 10% तक का डिस्काउंट मिल जाता है अगर आप सेल टीम से बात करते हो तो। अब बात करते हैं स्टेट प्लान में क्या होता है। स्टेट प्लान में इनके ये होता है कि जो स्टेट में मतलब कि पूरी स्टेट में इनकी विजिबिलिटी होती है, वहीं अगर बात करी जाए पूरे पैन इंडिया प्लान की तो जो भी आपकी कीवर्ड्स हैं उन कीवर्ड्स पर अगर कोई भी कीवर्ड सर्च करता है वो, तो इंडिया लेवल पर जो है पैन इंडिया लेवल पर आपको विजिबिलिटी मिलती है। अब बात करी जाए दूसरी ओर इंडिया मार्ट की, तो इंडिया मार्ट के पास ओनली 2 प्लान्स यहाँ पर अवेलेबल हैं, वो है MDC और दूसरा है ट्रस्टसील। तो MDC का जो प्राइस है इनका वो है 28,000 प्लस GST, और यहाँ पर भी अगर आप बात करते हैं तो अप टू 10% तक का डिस्काउंट मिल जाता है। लेकिन ये जो है डिस्काउंट के लिए गारंटी नहीं देते हैं कि भाई आपको यहाँ पर डिस्काउंट मिलने ही वाला है। वहीं अगर बात करी जाए इनके दूसरे प्लान की ट्रस्टसील की, तो ट्रस्टसील जो है वो 45,000 प्लस GST में आता है और आपको यहाँ पर भी 10% तक का डिस्काउंट मिल सकता है अगर आप सेल टीम से बात करते हैं तो। इंडिया मार्ट के दोनों प्लान में डिफरेंसेस लीड का और रीच का है, तो उसी हिसाब से मैं आपको आगे भी बताऊंगा। अब बात करते हैं नंबर 2 की, जो है इसके डिसएडवांटेज। तो सबसे पहले बात करते हैं जस्ट डायल के डिसएडवांटेज की। तो जस्ट डायल का जो डिसएडवांटेज है वो यहाँ पर ये आता है कि जो भी लीड है या फिर जो मान के चलिए जो भी क्वेरी होती है वो 7 लोगों के पास जाती है। मतलब कि मान के चलिए इसको मैं इस तरह से समझाता हूँ, अगर मैंने कोई क्वेरी करी है, मान के चलिए कि मुझे एक फ़ोटोग्राफ़र चाहिए था, मैंने डेस्टिनेशन वेडिंग फ़ोटोग्राफ़र सर्च किया, तो मेरी लीड जो है वो 7 फोटोग्राफर्स के पास जाएगी। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ये है कि पोजीशन वालों को यहाँ पर एक एडवांटेज मिलता है यहाँ पर, कि सबसे पहले लीड जो है वो जो पोजीशन प्लान ने खरीद रखा है उनको जाती है, उसके बाद यहाँ पर बाकी लोगों के पास जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होती है। और ये जो प्लान्स वाइज जो है इनमें मतलब कि पोजीशन ऊपर नीचे रहती है, मतलब कि एक तरह से ये पोजीशन डिस्ट्रीब्यूट होती रहती है, कभी फर्स्ट पे कभी सेकंड पे। लेकिन जो पोजीशन प्लान वाला होता है उसको वही पोजीशन दिखती है जो उसकी पोजीशन है। तो यहाँ पर डिसएडवांटेज ये है कि एक ही लीड 7 लोगों में सर्कुलेट होती है। अब उनमें से जो भी बंदा सबसे पहले बात करता है या उनमें जिसका प्राइस अच्छा होता है या जिसका बात करने का तरीका अच्छा है उनमें से जो है वो कन्वर्ट होता है। और सेम चीज़ यहाँ पर इंडिया मार्ट पे भी होती है। इंडिया मार्ट पे भी 7 वेंडर के पास जो है एक लीड जाती है। अगर किसी ने क्वेरी करी है तो वो 7 लोगों के पास जाएगी। वहाँ पर भी सेम सिनेरियो में काम होता है कि जो पहले बात कर ले या फिर जिसका प्राइस अच्छा हो, तो आप इस तरह से जो है इनमें
कंपेयर होता है। तो इस तरह से जो है वो 7 लोगों के पास जो है लीड डिस्ट्रीब्यूट होती है। इससे एज ए बिजनेस ओनर या फिर एज ए ब्रांड ओनर हम लोगों का डिसएडवांटेज है, क्योंकि यहाँ पर 7 लोगों के पास जो है वो एक ही लीड जा रही है। इसमें क्या है, फ़ायदा उसका है जो सर्विस ले रहा है, उसको जो है मतलब कि काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं कि भाई वो किससे बाय करे या किससे खरीदे। इसके बाद नंबर 3 पर आता है एडवांटेज। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर जस्ट डायल के एडवांटेज की। तो जस्ट डायल में आपको जो है एक कैटलॉग मिल जाती है जिसमें आपके प्रोडक्ट होंगे, सर्विसेज होंगी और उसमें इनका प्राइस क्या है वो होगा। साथ में आपको यहाँ पर जो है अगर आप बात करते हैं तो जस्ट डायल का रिव्यू वाला जो सर्टिफिकेट है वो आपको ऑनलाइन मिल जाता है। वहीं अगर बात करी जाए जस्ट डायल का जो आपका एक वेरीफाइड बैच होता है वो आपको मिलता है, या कभी कभी जो होता है वहाँ पर थम्सअप वाला जो होता है वो भी आपको मिल जाता है। तो वो भी यहाँ पर एक इनका बैच है तो वो मिल जाते हैं। साथ में इनकी जो है लोकल विजिबिलिटी जो है वो काफ़ी अच्छी है। इतनी अच्छी विजिबिलिटी है कि अगर आप कोई भी चीज़ अगर आप मान के चलिए नेट पर सर्च कर रहे हैं गूगल पर जा करके फोटोग्राफर या डेस्टिनेशन वेडिंग फोटोग्राफर, तो सबसे पहला जो दूसरा रिजल्ट होता है वो जस्ट डायल का ही होता है। आप चाहें तो इसको जा करके चेक कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर काफ़ी बार देखा है कि जो जस्ट डायल की जो सर्च क्वेरी रिजल्ट है वो काफ़ी अच्छा है। भैया अगर दूसरी ओर बात करी जाए इंडिया मार्ट की, तो इंडिया मार्ट आपको जो है 300 प्रोडक्ट वाली कैटलॉग देता है, जिसमें साथ में ये एक वेबसाइट भी देता है जिसमें अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस ये वाली सारी चीज़ें होती हैं। वहीं आपको इसमें SEO जो है वो इतने अच्छे लेवल का मिलता है कि आप बात नहीं कर सकते। सबसे ज़्यादा कमाल SEO जो है वो इंडिया मार्ट पे ही मिलता है। पर्सनली जो है मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। आप जो है इसमें डिस्ट्रिक्ट वाइज अगर आप अपना जैसे कि पैन इंडिया का प्लान आपने खरीद लिया है, पैन इंडिया का प्लान खरीदने के बाद अगर आप डिस्ट्रिक्ट वाइज अपने प्रोडक्ट की लिस्टिंग करते हैं जैसे कि डेस्टिनेशन वेडिंग फोटोग्राफर इन जिम कॉर्बेट या फिर डेस्टिनेशन वेडिंग फोटोग्राफर इन अल्मोरा पिथौरागढ़, इस तरह से सेपरेट सेपरेट पेज बना देते हैं और 300 प्रोडक्ट तक बना लेते हैं, तो उसका SEO इतना अच्छा होता है कि जब भी कोई बंदा सर्च करेगा ना सर्च क्वेरी में, तो आपका जो है इंडिया मार्ट का रिजल्ट ही वहाँ पर दिखने वाला है। अब बात करी जाए इसकी लीड्स की, जस्ट डायल की लीड्स की, तो जस्ट डायल में आपको कोई भी लीड्स की गारंटी नहीं होती है, लेकिन मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप कोई भी प्लान खरीदते हैं तो आपको 10 से 15 वीकली लीड जो है वो मिल जाती हैं। और वहीं अगर बात करी जाए इंडिया मार्ट की, तो इंडिया मार्ट पे आपको जो है बाय लीड का सेक्शन जो है वो 17 लीड्स आपको मिलती हैं MDC में, और उससे ज़्यादा जो है ट्रस्ट सील में आपको मिलती हैं। तो मैं MDC के प्लान के बता देता हूँ आपको, जो 17 लीड हैं वो एक एक लीड डेली की मिलती है कि भाई आप एक एक लीड जो है वो बोनस लीड होती है, और 10 लीड जो है आपको एक बारी दी जाती है कि आप इनमें खरीद सकते हैं। लेकिन पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो इंडिया मार्ट की बाय लीड्स वाला सेक्शन है वहाँ से जो है कन्वर्जन काफ़ी स्लो रहता है एज़ कम्पेयर टू जस्ट डायल। यहाँ पर कन्वर्जन जो है वो बहुत कम होता है। अगर बात करी जाए कन्वर्जन की, तो कन्वर्जन यहाँ पर मान के चलिए 20% अगर कन्वर्जन है इंडिया मार्ट का, तो वहीं कन्वर्जन रेट जो है वो 60% है जस्ट डायल का। मतलब कि जस्ट डायल का मैंने पर्सनल अपना एक्सपीरियंस से मैं ये बता रहा हूँ कि जस्ट डायल के थ्रू मेरे को बहुत बिजनेस मिलता है बाय लीड्स के थ्रू। लेकिन वहीं अगर बात करी जाए इंडिया मार्ट की, तो बाय लीड्स के थ्रू मेरे को बिजनेस वहाँ से नहीं मिलता है या फिर ना के बराबर मिलता है। वहाँ से मेरे को जो है सर्च क्वेरी जो होती हैं इंडिया मार्ट से सर्च क्वेरी के थ्रू मेरे को बिजनेस मिलता है। तो वहाँ से बात करी जाए इंडिया मार्ट का, वो एक तरह से बेनिफिट है वहाँ पे कि इंडिया मार्ट के थ्रू जो है सर्च क्वेरी से बिजनेस मिलता है, और इसकी विजिबिलिटी जो होती है वो पैन इंडिया लेवल पे होती है। अब बात आती है नंबर 4 की। तो नंबर 4 पर आता है कि बेस्ट किसके लिए है ये, मतलब कि मान के चलिए जस्ट डायल है तो जस्ट डायल किसके लिए बेस्ट है, अगर इंडिया मार्ट है तो वो किसके लिए बेस्ट है। अगर आप एक सर्विस मान के चलिए प्रोवाइड कराते हैं, जैसे कि आप एक फ़ोटोग्राफ़र हैं या फिर मान के चलिए एक इंटीरियर डिज़ाइनर हैं या फिर एक आर्किटेक्ट हैं, तो आप किस तरह की सर्विस अगर दे रहे हैं और आप सर्विसेज को जो है वो लोकली देते हैं, जैसे कि कोई सिटी है जैसे कि मेरी सिटी हल्द्वानी है या फिर मान के चलो कुमाऊँ में देना चाहते हैं, तो आपका अगर इस तरह का कोई बिजनेस है जो कि लोकली जो है प्रमोट होता है या फिर लोकली आप उसमें सर्व करते हैं, तो सबसे बेस्ट आपके लिए है जस्ट डायल। और अगर वहीं बात करी जाए अगर आप एक मैन्युफैक्चरर हैं या फिर एक होलसेलर हैं जो कि पैन इंडिया लेवल पे काम करते हैं, तो आपके लिए जो बेस्ट है वो इंडिया मार्ट यहाँ पर बेस्ट होगा। मैंने दोनों ही चीज़ें बता दी हैं। अब बात करते हैं नंबर 5 की। तो नंबर 5 पे आता है इसका अल्टरनेटिव। मान के चलिए आप जो है दोनों ही प्लान में जो है 30,000 रुपये के या 36,000 रुपये के आसपास जो है वो खर्च कर रहे हैं, जस्ट डायल पर भी इंडिया मार्ट पर भी, तो आप जो है इसके अल्टरनेटिव्स मतलब कि आप सोशल मीडिया एड्स और गूगल एड्स जो है वो यूज़ कर सकते हैं।
आप जो है जैसे कि 30,000 या 36,000 रुपये उनमें से मान के चलिए आधा आप सोशल मीडिया मार्केटिंग में लगाइए, आधा आप गूगल ऐड में लगाइए, वहीं आधी पेमेंट से जो 15,000 आपकी है, 15,000 से आप जो है मतलब कि अवेयरनेस कर सकते हैं अपने ब्रांड की, चाहे वो लोकली हो या फिर मान के चलिए पैन इंडिया लेवल पर 15,000 जो है वो कम पड़ जाएंगे। लेकिन अगर आप बात कर रहे हैं लोकली या फिर लोकली, तो 15,000 के लिए अवेयरनेस काफ़ी होती है, 15,000 में बहुत सारे लोग जो है वो देख सकते हैं, वहीं 15,000 से आप जो है लीड जनरेट कर सकते हैं। वहीं आपकी अगर लीड की बात करूँ मैं गूगल से, या फिर अगर आप वेबसाइट भी नहीं बनाना चाहते तो अगर आप गूगल माई बिजनेस के थ्रू भी अगर आप लीड जनरेट करते हैं तो आराम से आप 100 से 150 रुपये के बीच में आराम से लीड जनरेट जो है वो कर पाएंगे। इस तरह से आपको हर महीने अगर बात करी जाए तो आपका मतलब कि अगर हम गूगल ऐड भी चलाते हैं सारे बिजनेस से, तो गूगल ऐड में आपका 2,500 से 3,000 रुपये का बजट जाता है, और 2,500 से 3,000 रुपये में पर मंथ में आप जो आराम से 15 से 20 लीड जो है वो जनरेट कर सकते हो, और 15 से 20 जो है लीड्स में आप अच्छे खासा बिजनेस जो है वो जनरेट कर पाओगे। तो इस तरह से मैंने सारी चीज़ें जो है वो कवर कर दी हैं। अब आपको डिसाइड करने में आसानी होगी कि आपके बिजनेस के लिए जस्टडायल बेटर है या फिर इंडिया मार्ट बेटर है। अब जो आपको लगता है आप उसे कर सकते हैं, लेकिन अगर वहीं मैं पर्सनली अपनी थिंकिंग की बात करूं तो मेरे बिजनेस के लिए जो है वो जस्टडायल काफ़ी अच्छा है। मैंने यहाँ पर दो दो प्लान खरीद रखे हैं जस्टडायल के, लेकिन इंडिया मार्ट को भी मैं यहाँ पर निगलेक्ट नहीं करता हूँ। इंडिया मार्ट मेरे को जो है वो बिजनेस देता है पैन इंडिया लेवल का, लेकिन एज कम्पेयर टू इंडिया मार्ट मेरा जस्टडायल काफ़ी अच्छा बिजनेस मुझे जो है वो देता है। वहीं अब आप जो है डिसाइड कर सकते हैं अपने लिए कि आप मैन्युफैक्चरर हैं या फिर मान के चलिए आप किस लेवल पे काम करते हैं, तो ये वीडियो आपको जो है वो सजेस्ट करेगा कि आपको कौन सी चीज़ जो है वो किसका प्लान खरीदना चाहिए। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करना। अगर आपको किसी भी बिजनेस के लिए डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी चाहिए तो मैंने ढेरों सारी वीडियो जो है वो बना रखी हैं, आप उन्हें जा करके देख सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।